भी है। उसी प्रकार जब तक मन चेतन संग संग है, जहां मन रखो वहीं चेतन है। मन उल्टे तब सूरत कहावे, मन को उल्टो अर्थात सिमटो। तो पहले जिस ओर था उसके विपरीत ओर को हो जाएगा। स्थूल पसार में हो, इसमें सिमटने से सूक्ष्म में प्रवेश करोगे। सुरत फंसी संसार में, ताते परिगा दूर, हसुरत बांध सुस्थिर करो, आठो पहर हुजूर। कबीर साहब, यदि कहिए कि यह तो कॉलेज की बात है, ऊंचे वर्ग की पढ़ाई में कहिए, तो कबीर साहब की वाणी में ही सुनिए। मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाँव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सत भाव। इससे उलटिए तो गगन मंडल के बीच में तहमा झल के नूर, निगुरा महल न पावई पहुँचेगा गुरुपुर। बांका पर्दा खोल के सन्मुख ले दीदार, बाल सने ही साइया आदि अंत का यार। कबीर साहब, माया बसमति मंद अभागी, हृदय जवन का बहुविध लागी। अंधकार बांका पर्दा है। यदि मोटी बात ही लीजिए तो तुलसीदास जी की वाणी में है कि प्रथम भगति संतन कर संगा। संत कबीर साहब भी सत्संग करने कहते हैं, सब संत सत्संग करने कहते हैं। शबरी से राम कहते हैं कि दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। नौ प्रकार की भक्ति कहते कहते अंत में कहते हैं कि सकल प्रकार भगति दृढ़तो रे, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। मान मर्यादा को छोड़कर गुरु की सेवा करो, शिवाजी की तरह, अथवा हाल के राय बहादुर शालीग्राम की तरह। पोस्ट मास्टर जनरल होते हुए भी अपने गुरु के लिए अपने से आटा पीसना, रोटी बनाना, जमुना जी से पैदल पानी लाना, इस पर भी यदि कोई कहे पानी नहीं है, बच्चा रोता है, तो उसे पानी दे देते थे और फिर अपने पानी लाने चले जाते थे। गुरु का सेवक अपने समय में शिवाजी ऐसे बहुत कम है। वे छत्रपति होते हुए भी अपने हाथ से सब प्रकार की सेवा करते थे। शिवाजी अपने हाथ से अपने गुरु को तेल लगाते थे, अपना संपूर्ण राज अपने गुरु को दिए थे। एक दिन समर्थ रामदास जी कुछ चेलों के साथ चले आ रहे थे। चेलों ने कहा कि हम लोगों को भूख लग गई है। समर्थ रामदास जी ने कहा कि देखो खेत में मकई के भुट्टे लगे हैं, खा लो। शिष्यों ने वैसा ही किया, तब तक खेत वाले आ गए। वह गुस्से में आकर समर्थ रामदास जी को मकई के डंठल से मार बैठा। समर्थ मार बर्दाश्त कर गए और शिष्यों से कहा कि शिवा को यह बात मत कहना, नहीं तो इसे भारी दंड देगा। जब समर्थ रामदास जी शिवाजी के यहाँ पधारे तो शिवाजी उनको अपने से स्नान कराने लगे।
पीठ में मार का दाग देखकर अन्य शिष्यों से पूछा कि यह दाग पीठ में कैसे आया। सबके सब चुप थे, कोई कुछ बोलते ही नहीं थे। शिवा जी ने कहा कि सही सही बोलिए, नहीं तो आप लोगों को ही इसका दंड भोगना पड़ेगा। तब उन लोगों ने उक्त किसान का नाम कहा जिसने समर्थ रामदास जी को मारा था, उसको शिवाजी ने पकड़वा कर अपने सामने मंगाया। शिवाजी के डर से वह किसान बहुत ही कंपित हो रहा था। समर्थ रामदास जी ने कहा, शिवा देखो तुम्हारे डर से यह बहुत दुखी हो रहा है, इसे क्षमा कर दो। इसका माल पोत माल गुजारी माफ कर दो। ये महान त्यागी पुरुष गुरु की भक्ति करते थे। चौथी भगति मम गुणगण करै कपट तज गान। पांचवी भक्ति मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सुभेद प्रकाशा। ऐसा नहीं कि माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माही, बल्कि ऐसा तन थेर मन थेर वचन थेर सुरत निरत थिर होय, कह कबीर इस पलक को कलप न पावे कोय। पहले जैसे मन भागता था उससे कम भागे। संतों का संग होगा, कथा प्रसंग होगा, उनसे ज्ञान सीखेंगे। ईश्वर भक्ति कैसे होगी? गुरु की सेवा करेंगे, ईश्वर का गुणगान करेंगे, जप करने कहेंगे, यह कर्मबद्ध है। छठी भक्ति दम आती है, इंद्रियों को रोकने का स्वभाव आपको हो जाए, तब दमशील हो जाएगा। बहुत से कर्मों से अपने को हटाइए, सज्जनों के धर्म के अनुसार संसार में बरतिए। सज्जनों का धर्म है झूठ चोरी नशा हिंसा और व्यभिचार नहीं करने का। इस तरह आप इंद्रियों के रोकने का स्वभाव वाला हो जाइएगा। इंद्रियों के साथ मन की धार है, इंद्रियों में मन की धार होने से ही इंद्रियां सचेष्ट होती हैं और काम करती हैं। मन ही विषयों की ओर इंद्रियों को ले जाने की प्रेरणा करता है। इंद्रिय बेरोक में दमशीलता नहीं होती। जिस केंद्र से इस धार का विकार हुआ है उस केंद्र में केंद्रित करो। केंद्र में केंद्रित होने पर विषयों की ओर नहीं जाएगा। इस प्रकार अभ्यास बारंबार करते करते इंद्रियों को रोकने का स्वभाव वाला बन जाइएगा। आप कहेंगे कि मन को विषयों में बड़ा अच्छा लगता है, इससे विपरीत कैसे जाएगा? तो देखिए, भीतर जाने में भी बड़ा आनंद मालूम होता है। उस समय कोई गड़बड़ करे तो मन बड़ा रंज हो जाता है। तंद्रा माने जागने से स्वप्न में जाने के बीच रास्ते में जो मिलता है, माने अधनिनिया। वहाँ कोई विषय नहीं है फिर भी आनंद है। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि भजन में होत आनंद आनंद, बरसत बिसत अमी के बादर। भींजत है कोई संत। अगर अंदर के सरकाओं में दुख होता तो आप सो नहीं सकते, सब दिन सोते हैं। और यह हालत होती है
छठी भक्ति से सूक्ष्म भक्ति का आरंभ होता है। अपनी धारों को कैसे और कहां पर उलटेंगे तो कहेंगे तुम हो कहां, वहीं से उलटो। दरिया साहब की वाणी है कि जान ले सत्य पहचान ले, सुरत सांच बसे दीद दाना, आँख का तिल माने शिव नेत्र। दोनों आँखों के मध्य मुकाबले अंदर में राय शालिग्राम साहब ने कहा है, संत कबीर साहब का वचन लीजिए, स्तन में मन कहाँ बसत है, निकस जाय के ही ठौर, गुरुगम है तो परख ले नातर कर गुरु और, नैनो माही मन बसे निकस जाय न ठौर, सतगुरु भेद बताइया सब संतन सिर मौर। ब्रह्मोपनिषद में है जागृत स्वप्ने तथा जीवो गच्छत्या गच्छते पुनः, नेत्रस्थं जागृतं विद्यात कंठे स्वप्नम समापिसेत, सुसुप्तं हृदयस्थं तु तुर्यं मूर्धनि संस्थितम्। जीव जागृत और स्वप्न में पुनः पुनः आता जाता रहता है। जीव का वासा जागृत में, नेत्र में और स्वप्न में, कंठ में, सुसुप्ति में, हृदय में और तुर्यावस्था में, मस्तक में होता है। आप जागृत में काम करेंगे इसलिए यहीं से चलो, जगने में आप आँख में हैं, फिर कहेंगे कैसे चलेंगे, तो दोनों धारों को एक करो। कैसे करो यह बात गुरु से जानो, इससे सरल और कुछ नहीं हो सकता। 1904 ईस्वी से 1952 ईस्वी तक की मेरी खोज है। मैं इतने दिनों तक क्या करता रहा, यह दृष्टि साधन है, अमा दृष्टि, प्रतिपदा दृष्टि और पूर्णिमा दृष्टि, उसे देखने के लिए तीन दृष्टियां होती हैं, अमावस्या, प्रतिपदा, पूर्णिमा। आंख बंद कर देखना अमा दृष्टि, आधी आंख खोल कर देखना प्रतिपदा और पूरी आंख खोल कर देखना पूर्णिमा है। अंधकार में यत्न करो तो तारा चमकेगा, अंधकार में यत्न करो तो तारा चमकेगा। ईसा मसीह ने दो आँख को एक करने को कहा। सुषमना में जाना चाहते हो तो गुरु से जानकर करो, किसी का दोनों हाथ पकड़कर कोई खींचे तो संपूर्ण शरीर उसी ओर हो जाता है। उसी प्रकार दोनों दृष्टि धारों को एक करो तो फैली हुई सब धारें उसी ओर हो जाएंगी, यही दमशील होगा। दृष्टियोग के साधन में कुछ कष्ट नहीं होता है। बिना प्राण निरोध के ही ध्यानाभ्यास द्वारा श्वास बंद हो जाता है। इस प्रकार होने से छठी भक्ति होगी। अब सातवीं भक्ति आती है, सातम सम्मोहिमय जग देखा। जहाँ दम है वहाँ शम ही चाहिए। यदि कहो कि मन का साधन तो हो ही चुका, तो देखिए मन और इंद्रियों का संग संग साधन होना दम है। केवल मन का निग्रह शम है। यहाँ दृश्य नहीं है, केवल नादानुसंधान है। न नाद सदृश उलय मनोलय होकर तब क्या होता है। सहस कमल दल पार में मन बुद्धि हिराना हो, प्राण पुरुष आगे चले सोई करत बखाना हो। निर्मल चेतन परम पुरुष से जाकर मिलती है। यहाँ दम और शम क्या होता है वर्णन किया। इसी प्रकार की भक्ति सब किया करें
आठम यथा लाभ संतोषा, जिसको सम होगा उसको सम भी हो जाएगा। इसके लिए अपना पराया सुख दुख शीत उष्ण सब सम हो जाता है। ऐसा होने के लिए आठम यथा लाभ संतोषा, उसकी खरीदी हुई चीज हो जाएगी, वह टेरा क्यों होगा, सरल हो जाएगा। एक ईश्वर पर भरोसा रखो, भक्ति तो साथ ही समझिए, भक्ति तो साथ ही समझिए, बाकी दो भक्ति तो फल है, यही जानिए। भक्ति को केवल मोटी ही नहीं जाननी चाहिए, उन छठी और सातवीं भक्ति को भी जानिए। इसके लिए संयम की जरूरत है। झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, नशा का सेवन मत करो, पंच पाप मत करो। आगे बढ़ने वाले को चाहिए कि पापों से बचें, पापों में फैला हुआ आदमी आगे नहीं बढ़ सकता, वह विषयों में अनुरक्त रहता है। नशा के विषय में तंबाकू तक मना है, अपना खून आप पियो तो घृणा होगी, किंतु अपने उच्च रक्त में पशुओं के नीच रक्त को क्यों मिलाते हो। इसी के लिए किसी संत ने कंठी बनवाई, किसी ने कहा कि कंठी पहनो या नहीं पहनो, अपने मन को ठीक करो तभी कल्याण होगा। बोलिए श्री सद्गुरु। यह प्रवचन सहरसा जिला विशेष अधिवेशन ग्राम खापुर अब जिला मधेपुरा में दिनांक 9/11/1952 ईस्वी को अपराह्न कालीन सत्संग में हुआ।